ओमकारा कैपिटल के फाउंडर वरिंदर बंसल हमारे साथ हैं हर रोज सुबह के नतीजों का पूरा विश्लेषण लेने के लिए। और अभी तो फुल सीजन चल रहा है, ढेर सारी नतीजे आते दिख रहे हैं कंपनियों के। और अच्छी बात यह कि इस सीजन में आपको ऐसी कई सारी कंपनियां मिल रही है जहां अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद कंपनियां और शेयर महंगे नहीं है, और वही है हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट स्पेस। तो वरिंदर, गुड मॉर्निंग, शुरुआत कीजिए उन रिजल्ट से जहां पर अच्छे नतीजे आए और शेयर अभी भी सस्ते हैं। थैंक यू सो मच सर। SBI तो आपने सब लोगों ने बोल ही दिया है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं अच्छा, करूंगा। SBI में एक आई चीज थिंक बताइए, नंबर्स आर टू गुड टू बिलीव, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब इतने अच्छे नंबर SBI के, वो सुन के बड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा? सर, पता है सर, ये 8 साल से SBI या PSU बैंक पेन ले रहे हैं। मैं आपको एक ही नंबर बताऊंगा सर कि जो प्रोविजनिंग होती है ना, जो हम प्रोविजनिंग करते हैं अगर बैड डेट्स हो जाती है या कोई हमें पैसा नहीं देता है, तो 90% PCR हो गया है जो लेगेसी कॉर्पोरेट अकाउंट्स थे, 90%। तो आप सोचिए, अगर मुझे कोई 100 रुपया नहीं दे रहा तो मैंने 90% तो प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर ली है, और उसका जो NPA है सर, जो बाकी बचे है, उसका 1% से नीचे आया है, तो यू कैन इमेजिन द एंटायर पेन इज टेकन। से बैंक्स में कोई प्रॉफिट तो चलो अच्छी चीज है दिखते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि क्या आपकी बुक साफ है कि नहीं साफ है। सर, ग्रॉस लिपेजेस इसके सिर्फ 2500 करोड़ आए, विच इज 0.1% ऑफ लोन, 0.1%। मतलब ये आप सोचिए सर, जितना पैसा दिया हुआ है मेरा, मैंने प्रोविजनिंग 90% कर ली है और स्लिपेजेस सिर्फ 0.1% है। सर, प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा डेटा है। और आपको एक चीज याद करा दूं सर, कि जब इकोनॉमिक बूम हुआ था 2000 से 2010 में, SBI वॉज द बैंक जिसने HDFC, ICICI और इवन सेंसेक्स निफ्टी को भी क्रॉस किया था, क्योंकि 2 गुना 3 गुना आउट परफॉर्म किया था SBI ने। सो नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि ये वापस इकोनॉमिक बूम में जा रहे हैं, तो अभी भी वन टाइम बुक पे मिलता है, वन टाइम बुक पे SBI मिलता है। नाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक 3-4 पे ट्रेड करते हैं, सो दैट इज वाई पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि बुक साफ हो गई है, क्रेडिट ग्रोथ होगा, तो नाउ सी कैसे आगे जाके होगा। तो SBI के नंबर्स तगड़े हैं, आगे की परफॉर्मेंस भी रहेगी दमदार। बताएं अब अच्छे रिजल्ट, सस्ते वैल्यूएशंस। सर एक और चीज, सॉरी, कॉन्कॉर्ड पे सर, कॉन्कॉर्ड का नंबर अच्छा आया था, बट उसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि जो लैंड लीज रेंटल है ना, इनका आई थिंक 11 बजे कॉन कॉल है, तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगा। बट सर, लास्ट फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट और रेलवे ने इनसे कुछ 1250 करोड़ मांगा था, 1276 करोड़ मांगा था, और इस क्वार्टर में जो नंबर आया वो 1340 करोड़ आया है। सो अगर आप देखेंगे तो जो दिस रेलवे लीज रेंटल होता है या लैंड लीज रेंटल होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। और नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे सर, अगर आप वन टाइम एक्सपेंसेस एडजस्ट कर देते हो तो 24% मार्जिन आया कंपेयर टू एक्सपेक्टेड 21.5%। 11 बजे कॉल कर ले तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट। बट आपका सवाल रहा सर कि अच्छे नतीजे और नॉट सो एक्सपेंसिव, सर सब लोग PSU बैंक की बात कर रहे हैं। आई थिंक वन सेक्टर विच कांट बी इग्नोर्ड इज फर्टिलाइजर्स, और मैं बताऊंगा सर क्यों। बिकॉज अगर आप बोलो कि नंबर्स है तो नंबर्स चलो ठीक है, अपने को पता है कि नंबर्स अच्छे हैं, चाहे वो चंबल लगा लो, चाहे वो GNFC लगा लो, GNFC वो केमिकल्स ऑलरेडी जो नंबर्स उसके आए। बट सर, पहली बार आई डोंट नो आप कितने टाइम के बाद मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने 3100 करोड़ रुपया सर, 3165 करोड़ जो सब्सिडी देना था चंबल फर्टिलाइजर को, उसने दिया वो आई थिंक चंबल है वो सिटिंग अराउंड 5500-6000 करोड़ डेट। उसने अपनी प्रेजेंटेशन में बोला सर कि मैंने कंपनी ने 3165 करोड़ रुपया 3165 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से रिसीव कर लिया है अगेंस्ट सब्सिडी अरियर्स, और मार्च तक होपफुली सारे का सारा जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। सर, सबसे बड़ा इशू फर्टिलाइजर सेगमेंट में होता था कि सब्सिडी अरियर्स आता ही नहीं था, ये पहली बार हुआ है। सो मेरे हिसाब से सर, ये सब्सिडी वाला जो न्यूज है, इट इज मच मोर बिगर देन द नंबर्स, और दिस इज अ बिग चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज हैपनिंग। सो चंबल फर्टिलाइजर्स फॉर मी आज भी 6-7 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, एंड नंबर्स आर इन पार विद कोरोमंडल इंटरनेशनल, सो वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, बट द सब्सिडी रिसीव्ड इज मच मच बिगर देन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। GNFC सर, अगेन इट्स नॉट अ फर्टिलाइजर कंपनी, ऑनेस्टली इट्स अ केमिकल कंपनी मोस्टली। अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, आपका EBITDA 117% ऊपर था, मार्जिन 13% के सामने 24% आगे थे, बट केमिकल सेगमेंट ने इसको हेल्प किया था पूरे का पूरा। तो केमिकल में 80 करोड़ प्रॉफिट EBIT कमाता था, उसके सामने 323 करोड़ कमाया YOY, और इवन क्वार्टर एंड क्वार्टर 133 करोड़ के सामने 343 करोड़ कमाया, तो 7 टाइम पे ट्रेड करता है, 7 टाइम्स पे, सो वेरी वेरी चीप स्टॉक इन दैट कैटेगरी।
डालमिया भारत जो है उसके नंबर्स भी अच्छे आए थे सर, दो टाइम पे ट्रेड करता है बुक पे, टू टाइम्स बुक पे ट्रेड करता है। आप वाई ओ वाई देखेंगे तो नंबर्स अच्छे दिखेंगे आपको, एबिटा 53% ऊपर था, प्रॉफिट 24 करोड़ से 180 करोड़ हुआ, थोड़ा सा क्वार्टर क्वार्टर के नंबर्स कमजोर हुए हैं। आई रिमेम्बर दैट लास्ट क्वार्टर दिस इज सिक्वेंशियल क्वार्टर, इसने 29% का मार्जिन किया था, अभी 24% का मार्जिन किया है, तो एक बार वो भी ध्यान रखिए। जिंदल स्टेनलेस के नंबर्स एक्सपेक्टेड था सर कि इस बार बहुत अच्छे आएंगे, बिकॉज अपने को पता है स्टेनलेस स्टील के प्राइसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इस बार उसने एबिटा पर टन 19,000 पर टन किया, एक्सपेक्टेड था कि 15-16 हजार टन करेगा, तो सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन। बट सर वो आपको याद होगा बजट में जो रिमूवल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी आया था उसका भी इम्पैक्ट नहीं आया है नंबर्स में, वो अगले क्वार्टर में एक्सपेक्टेड आएगा, तो ये 19,000 क्या कल पर आया टन था ना कम हो के इसका? 17,000 चला जाता है, 17,500 चला जाता है। आई थिंक ये कॉल कॉल में मैनेजमेंट बताएगा कितना हो सकता है नहीं हो सकता, आई थिंक स्टॉक हो सकता है ऊपर के लिए, बट ध्यान रखिए कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी रिमूवल वाला है उसका इंपैक्ट अगले क्वार्टर में आना बाकी है। ओके तो ये हैं वो सारे दमदार रिजल्ट्स जहां पर आज परफॉर्मेंस आपको अच्छी नजर आनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस भी हैं सस्ते लेकिन अच्छे रिजल्ट्स। शेयर थोड़े महंगे हैं, भाव बढ़ चुका है, वो कौन से हैं? सर मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑब्वियसली कल मार्केट में आगे थी जो मैंने ट्रैक कर रहा था, चाहे वो सुंदरम, बजाज, पराज, सोमानी हो, बट एक ही नंबर जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है सुंदरम फास्टनर्स ऑफ कोर्स इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर, बट आई थिंक बजाज इलेक्ट्रिक के नंबर सर बहुत टाइम के बाद मैंने देखा, इनके दो सेगमेंट्स है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ईपीसी डिवीजन है, पहली बार मैंने देखा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन का इतना इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रहा है। सर आपको याद होगा चाहे वो हेवल्स हो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो, या वो वी गार्ड था, ये बजाज इलेक्ट्रिक था, इन सब पे चारों पांचों के नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इसका सर जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट है आई थिंक 60-65% से बढ़कर 70-75% हो गया है, तो फिनोमिनल सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम बजाज इलेक्ट्रिक, नॉट वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक अगर आपको क्रॉम्पटन कंज्यूमर के साथ भी कंपेयर करना है, आपको स्टैंड लोन देखेंगे तो महंगा दिखेगा बट अगर आप पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं हुआ, सो एक नंबर अगर मैं बोलना चाहूंगा सब में से तो यही है। तो ये आपके लिए बढ़िया नंबर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स के, लेकिन जो नंबर्स कमजोर रहे, मिस किया है इस बार, उनके बारे में बताएं। सर क्लियरली बाकी गोदरेज एग्रोवेट के नंबर मुझे कुछ ज्यादा अच्छे लगे नहीं थे, सेल्स 15% नीचे थी, प्रताप स्नैक्स के नंबर एबिटा 25% नीचे था, प्रॉफिट 46% नीचे था, तो कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे। एक नंबर सर बोलूंगा एमसीएफ, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। आई रिमेम्बर कि कुछ दिन पहले लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि वो नेफ्टा से गैस में शिफ्ट हो गया है तो उसको बहुत बेनिफिट होगा, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, नंबर्स में कुछ नहीं दिखा सर, नंबर्स बहुत पैथेटिक इफ आई कैन से दैट। सेल्स 50% नीचे थी, एबिटा 58% नीचे था, प्रॉफिट 95% नीचे था, 56 करोड़ से कम होकर 23 करोड़ का एबिटा रह गया। सो आई डोंट नो वेदर दैट सब्सिडी थिंग जो है वो शायद इनके लिए अच्छा काम करेगी, बट अदरवाइज नंबर्स वर वेरी बैड। मैम अगेन आई एम सीइंग सर टुडे इज अ डे पीएसयू बैंक्स ऑफ कोर्स जो आप बोल रहे हो, बट फर्टिलाइजर्स एज वन सेगमेंट कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो ये है आपके लिए तमाम नंबर्स जिन पर आपको रखना है फोकस। शुक्रिया वरिंदर हमारे लिए वक्त थैंक यू निकालने के सर। लिए और ये सारे रिजल्ट्स का विश्लेषण देने